कुख्यात गैंगस्टर पपला गुजर को जयपुर लाने की बात निकली झूठी। राजस्थान और यूपी के मोस्ट वांटेड को लाया गया SMS, पांव में लगी है गोली, अस्पताल बना छावनी। जयपुर सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के धवन तरी की सर्जरी OPD गुरुवार सुबह 11 बजे से 12:45 बजे तक पुलिस छावनी में तब्दील रही। पुलिस कस्टडी में आए एक गैंगस्टर को देख लोग पपला गुजर होने की बात कहने लगे। कुछ ही देर में यह बात पूरे हॉस्पिटल में फैल गई कि पपला गुजर के 2 माह पहले गोली लगी थी। पैर में फंसी गोली को निकलवाने के लिए गैंगस्टर पपला को SMS हॉस्पिटल लाया गया है। हॉस्पिटल में दिन भर बैरूड थाने पर अंधाधुंध फायरिंग करने वाली गैंग के सरगना पपला गुजर के संबंध में चर्चा होती रही। मामला पुलिस तक पहुंचा, तब पुलिस ने खुलासा किया कि जिस हॉस्पिटल में लेकर आए हैं वह पपला गुजर नहीं बल्कि भरतपुर का गैंगस्टर विनोद कुमार उर्फ विनोद पहलवान है। आरोपी विनोद के खिलाफ उत्तर प्रदेश में आगरा में कई गंभीर अपराध दर्ज है। 2 माह पहले ही आगरा पुलिस से उसकी मुठभेड़ हुई थी। आगरा पुलिस की गोली विनोद के पैर में लगी थी और उसे पकड़ लिया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने गैंगस्टर विनोद पर 1 लाख का और राजस्थान पुलिस ने 20,000 रुपए का इनाम रख रखा था। आरोपी विनोद के खिलाफ हत्या, अपहरण, जानलेवा हमला करने, फायरिंग सहित गंभीर अपराध के 16 प्रकरण दर्ज है। मोहाना थाना पुलिस लेकर आई थी जयपुर। गैंगस्टर विनोद ने मोहाना थाना क्षेत्र में भी फायरिंग करने, जानलेवा हमला और अपहरण करने के 3 मामलों में वांटेड था। आरोपी विनोद के आगरा पुलिस की गिरफ्त में आने की सूचना पर जयपुर के मोहाना थाना अधिकारी लखन सिंह खटाना प्रोडक्शन वारंट पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिए थे। यहां पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश करने पर आरोपी को जयपुर केंद्रीय कारागार में भेज दिया गया था। आरोपी के पैर में आगरा पुलिस की गोली फंसी थी जिसे अब निकलवाने के लिए विनोद को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। ऑपरेशन कर निकालेंगे गोली। सर्जरी OPD में तैनात डॉक्टर सुमिता जैन ने बताया कि आरोपी के एक पैर में 2 महीने पूर्व गोली लगी थी जिससे उसने चलने में काफी परेशानी हो रही थी। उसे 2 डीप बाड़ में भर्ती करवाया गया है। उसकी कोविड जांच इत्यादि करवाई गई है। उसका ऑपरेशन कर गोली बाहर निकाली जाएगी। उसे भर्ती कर लिया गया है।